अभी दोबारा से हम उसी रेंज में लेके जाएंगे जो हमने नई आई पीस को दी है, ठीक है? आगे पीछे करते रहना थोड़ा सा, हो जाएगा ठीक है। वो हमारा उसका पिंग गया, तो अभी हमें क्या करना है, नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग में से जाकर वही सेम दोबारा IPv4 में हम करेंगे 16.13.201 कर लेता हूँ मैं एक बार IP, क्योंकि हमारे पास 201 रेजर है, और ये रहेगा हमारा 252, ठीक है? ओके ओके, अभी मैं पिंग करता हूँ। हमने IP क्या दी थी इसको, 20 215 दी थी ना, हाँ। तो 172.16.13.215, ओके। अभी इसको पिंग मारते हैं, फिर आगे उसको ब्राउज़र में खोलते हैं, 215 को भी 172 ठीक है, सेम वही पासवर्ड का पासवर्ड, ठीक है, सेव कर लेते हैं। अभी हम जाएंगे स्विचिंग में, IP हमारी हो गई है, ठीक है। स्विचिंग में जाके हम सबसे पहले VLAN के ऊपर जाएंगे, ठीक है। VLAN के ऊपर हमारी VLAN 1 बाय डिफॉल्ट क्रिएट है, तो हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाके सबसे पहले हम क्या करेंगे, VLAN मेम्बरशिप, ठीक है। VLAN मेम्बरशिप में हम क्या करेंगे, देखो पोर्ट नंबर 25 और 26 को हम टैग बना देंगे। अगर जैसे हमें मल्टीपल VLAN लेके जानी है तो हमें इसको टैग करना पड़ेगा, ठीक है। इसको टैग करके बाकी हमारे अनटैग है, इसमें सारा का सारा डेटा VLAN का एक्सेस, 1 का एक्सेस होगा, ठीक है। इसको अप्लाई कर देंगे। अब दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, हमें VLAN 40 का डेटा आगे पास कराना है, ठीक है। तो हम इसमें जाएंगे VLAN कन्फिग्रेशन में, ठीक है। VLAN कन्फिग्रेशन में हम VLAN ID में डालेंगे हमारी 40, और VLAN नेम में हम डालेंगे MS, और इसको क्या कर देंगे हम ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद हम आगे आएंगे VLAN मेंबरशिप में, सेम हमें वही काम करना है, हमें पोर्ट नंबर ट्रंक करना है इसका, ठीक है। तो इसके बाद हम 40 में आएंगे। 40 में आने के बाद हमें सेम वही चीज़ करनी है, इसके लिए भी हमें 25 और 26 इसको हम टैग कर देंगे, ठीक है। इसके लिए मेरा ये डेटा पास हो गया। अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए जैसे 40 के लिए हमें डेटा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, VLAN हम इसमें जाएंगे, VLAN मेंबरशिप में जाएंगे, कि मान लो मेरे को VLAN 1 और VLAN 40 दोनों का डेटा पास कराना हो किसी स्विच के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, VLAN 40 में जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। VLAN 40 में जाके मैं यहाँ से क्या करूँगा, VLAN 40 के लिए जितने भी मेरे डेटा हैं इनको, जैसे मान लो मैंने मेरे इसमें इसी पोर्ट में चलाना है मेरे को, शुरू के 1 2 3 4 5 6 पोर्ट में मेरे को 40 का डेटा लेके जाना है, कैरी करना है, मैं यहाँ से अप्लाई कर दूँगा इसको, ठीक है। अभी मैं VLAN स्टेटस में जाऊँगा, तो अभी चेक करूँगा यहाँ से, देखना VLAN मेंबरशिप में देखेंगे हम पोर्ट PVID कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। उसके बाद हम अब पोर्ट PVID कॉन्फ़िगरेशन में हम आएंगे, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, PVID VLAN 1 है। हमने इसको VLAN नंबर तो 40 दे दिया, मेंबर तो 40 दे दिया, लेकिन यहाँ डेटा अभी क्या रहेगा, VLAN 1 का ही पास होगा, क्योंकि PVID हमारी कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 40। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ PVID में भी हमें जिस इंटरफेस के ऊपर हम PVID में 40 डाल देंगे, वहाँ 40 का डेटा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब इसको अप्लाई कर, ठीक है, एक दो मिनट दबा, ये ब्लर हो गया, आया मैंने, पता है किस लिए गया है, वो VLAN 1 में हूँ मैं अभी, IP VLAN 1 की है ना, तो 15 तक मैंने, मैं अभी इसको पोर्ट को 1 से लेके 6 तक मेरे को अभी VLAN 40 का डाटा मिलेगा, अभी देखना अभी इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने PVID में चेंज कर दिया ना उसको, ठीक है। अभी मेरा मैंने डेटा पोर्ट चेंज कर दिया, तो अभी देखना मेरे को ये आ गया, लॉगिन आ गया, ठीक है। अभी लॉगिन आने के बाद इसको मैं करूँगा, अभी इसमें सेटिंग चेक करेंगे हम। अभी देखो अगर हम चेक करेंगे इसके अंदर, तो स्विचिंग में देखेंगे, स्विचिंग में पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में, अभी देखो VLAN में अगर हम चेक करेंगे, तो एडवांस में VLAN मेंबरशिप में अभी हम यहाँ देख सकते हैं VLAN 1 सभी के ऊपर जा रही है, 25 26 हमारा ट्रंक पोर्ट है, ठीक है। ऐसे ही सेम मैं 40 के लिए देखूँगा,
व्हील एन 40 मेरा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 और 25 26, लेकिन एक्चुअल में कहाँ डेटा व्हील एन 1 का कैरी कर रहा है, कहाँ वो कर रहा है, उसके लिए हमें पोर्ट पी वी आई डी कन्फिग्रेशन देखेंगे। पोर्ट पी वी आई डी कन्फिग्रेशन में अब देखो, जैसे मैंने पोर्ट 1 के ऊपर 40 जब तक देखो, ये 1 और 40 दिखा रहा है, लेकिन इसमें डेटा 1 का जाएगा। जब तक कि मैं पी वी आई डी में 40 को सेट नहीं करूँगा ना, इतने मेरा डेटा 40 का नहीं होगा, क्योंकि दोनों डेटा मेरे एनटैग है, 1 भी और 40 भी, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी क्या रहेगी, इसकी 1 रहेगी, तो इसलिए मेरे को पी वी आई डी सेटिंग 40 करनी पड़ेगी। 40 करूँगा तो 40 जाएगा, 1 करूँगा तो 1 जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं 1 के ऊपर, 1 को मैंने 40 दिया है, उसके ऊपर नहीं चल रहा, अभी देखना 2 के ऊपर चलेगा। ये है मेरा पोर्ट नंबर 2, ठीक है। अभी इसके ऊपर देखो, मैं पिंग मारता हूँ इसको 205 को, आ रहा है, ठीक है, 2 के ऊपर पिंग आ रहा है मेरा। और अभी देखो, मैं यहाँ से एक चीज़ करता हूँ, इसको पी वी आई डी को मैं यहाँ 40 कर दूंगा इसके लिए, ठीक है। पी वी आई डी को मैंने यहाँ 40 कर दिया, ठीक है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अभी मेरा पिंग खत्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपका आई पी अभी निकल गया ना। हाँ, अभी निकल गया, समझ गए, बस यही है।